अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि घर में कलर का काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो हस्बैंड ही कर रहे हैं वो, क्योंकि कलर वाला जो है आने में थोड़े से नखरे दिखा रहे थे, क्योंकि काम ज़्यादा होता है आपको पता है अभी इन दौरान, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाले हैं और कुंडों का महीना है, तो इसलिए हर कोई अपने घर में कलर वगैरह कराता है ताकि साफ़ सुथरा घर हो जाए। तो बस यही वजह थी, तो कलर वाला जो है आने में थोड़ा सा नखरे दिखा रहा था, तो हस्बैंड खुद ही शुरू कर दिए थे उन्होंने कलर। तो बस अब यहाँ पर फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, एक ही कमरा करके कर रहे थे ताकि ये थके भी नहीं खुद भी और थकावट भी ना हो, काम भी आसानी से हो जाए। तो जब ये जॉब पर से आ जाते हैं तो फिर एक ही कमरा करके कर लेते हैं और उसको फिर डबल डबल हाथ कर लेते हैं, तो इसलिए फिर ईजी रहता है ये। तो अभी बस यहाँ पर फिलिंग वगैरह कर रहे थे, ये बेडरूम का कर रहे थे, क्योंकि ना सामान जो है वो आपको पता है सिर्फ कलर करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसको सामान को शिफ्ट करना इधर से उधर, सारे जो है बेड को सब हटाना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी वो सब फिलिंग वगैरह कर रहे थे, कह लेंगे फिलिंग एकदम से एक साथ हो जाए तो उसके बाद कलर करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पर कलर चल रहा है और यहाँ पर जो है अभी मैंने देखा है तो दरवाज़ा बचा देखा था, मेरी भांजी और भांजा बहन के बच्चे जो हैं वो आ गए थे, तो बस अभी ये लोग आए तो बहन ने सालन बनाया था मेरी पसंद का फेवरेट, क्योंकि जो अम्मी बनाती थी, हालांकि बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन आपको पता है जो माओ के हाथ में या बड़ी बहनों के हाथ में जायका होता है वो हमारे यहाँ में ख़ुद से पकाने में मज़ा नहीं आता। तो आप ही ने बनाया था, तो आप ही ने कहा मैं तुम्हारे लिए भिजवा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अच्छा भिजवा दो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भिजवाया, और इस वीडियो के ज़रिए मैं उनका और दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये मेरे भांजे और भांजी हैं दोनों, तो दो ही बच्चे हैं बड़ी वाली बहन के, तो उन्होंने फिर अभी सालन लेके आए थे मेरे लिए कि आंटी अम्मी ने भिजवाया आपके लिए। मैंने कहा अच्छा, अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा है ये भी, और बहुत अच्छा और शरीफ और बहुत नेक, क्योंकि बहुत से बातें ऐसी होती हैं या बहुत से मतलब लड़के देखे हैं आजकल के कि जैसे बात नहीं सुनते माँ बाप की या वो होते हैं, लेकिन ये कि इतना माशाल्लाह से अच्छा और शरीफ है, और हमारे तो गोदों का पला हुआ ये दोनों ही, भांजी भी और भांजा भी, और भांजे को तो इसको मैंने बिल्कुल अपनी गोदों में पाला है, क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत छोटी सी थी और ये भी माशाल्लाह से गोद का था, तो मैं इसको बिल्कुल अपनी गोद में ही रखती थी। तो बस यही, ये अपने भांजा भांजी जो होते हैं वो बिल्कुल अपनी औलादों की तरह ही होते हैं, उनको हम उसी तरह प्यार मोहब्बत से रखते हैं और पालते हैं, और पहली बहन के बच्चे आपको पता तो कुछ ज़्यादा ही मतलब के घर के लाडले होते हैं। बस ये लोग यहाँ पर अभी जाने की कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, तो मैंने कहा नहीं कि बैठो कुछ ठंडा कोई चाय वगैरह कुछ पियो, तो चाय ये लोग पीते नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे दूध का जो है वो शरबत बनवा लिया था कुछ डाल के, तो मना कर रहे थे नहीं बस मैं जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है, तो मैंने कहा नहीं नहीं फिर पी के जाओ थोड़ा सा कुछ खा पी के जाओ। तो बस अभी ये लोग बैठे हुए बातें बातें कर रहे थे, और हस्बैंड ने भी थोड़ा सा चेंज कर लिया था, कह लगा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ, क्योंकि आपको पता है एक ही करने वाला होता है तो सामान भी सारा शिफ्ट करना होता है, मैं साथ हेल्प कराती रहती हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक करने वाले को, और आपको पता है हालाँकि हमारा रेंट का घर है, लेकिन हम फिर भी हम यकीन करें हम खुद से करते रहते हैं कि कलर वगैरह सब साफ़ सफ़ाई। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बस रेंट पर रहते हैं तो वो रेंट का ही समझ के रहते हैं, एक कील तक नहीं लगाते कि कहीं अगर कुछ ख़राबी हो जाए कुछ हो जाए, तो उसूलन तो यही देखा जाता है कि रेंट वाले जब आपके ऑनर जो आपको मतलब हैंड ओवर करते हैं अपना घर या मकान जो भी होता है, तो वो आपको साफ़ सुथरा करवा के देते हैं, अब बाद में जितना भी जो भी कोई मसला होता है तो वो तो जो रह रहे होते हैं जो रेंट वाले होते हैं तो उनका खुद का काम होता है, तो यही इसी तरह हम लोग खुद साफ़ सफ़ाई घर की रखते हैं ताकि घर साफ़ सुथरा रहे, ये सब कलर वगैरह हम खुद अपने पैसों का करवाते हैं। बस अभी ये लोग यहाँ पर जा रहे थे और मैं इनको काफ़ी रोक रही थी कि बैठ जाओ खाना खा के जाना, क्योंकि खाना मेरा बस पक ही रहा था, लेकिन ये कहेंगे नहीं हमें देर हो रही है तो अब हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर मैंने फिर जल्दी जल्दी अभी खाना बनाया है, मैंने इनसे बहुत बोला रोका लेकिन ये लोग रुके नहीं, तो बस मैंने अभी जल्दी जल्दी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हस्बैंड के साथ भी लगी हुई थी मैं, क्योंकि उनको कभी कोई चीज़ उठा के देनी कभी कोई चीज़ उठा के देनी थी, तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से ये है कि दाल चावल बना लेती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जल्दी तो है यही बन सकता है, तो बस मैंने अभी यहाँ पर दाल चावल बना लिए, ये देखें खड़े मसूर की दाल है और चावल है, सैलड वगैरह बना लिया था, अचार था साथ में, तो बस मैं इनसे ये कहती कि काम अपना ख़त्म करें ताकि ये कि खाना खा लेते हैं, तो वो कह लेंगे नहीं अभी थोड़ा सा मैं पहले काम कर लूँ, लेकिन फिर ये होता है कि खाना खाने के बाद हिम्मत नहीं रहती तो पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो बस मैंने कहा फिर चले मैं बच्चों को निकाल के देती हूँ, खाना वाना निकाल रही थी मैं अभी, और अभी मैं इसके बाद इन लोगों को ये बोली थी कि दस्तरखान बिछाओ तो फिर खाना खाते हैं,
ये देखिए नेशनल का ये अचार लेके आती हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये आराम से पूरा चल जाता है कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। और ये होता है कि दाल चावल बनाए, कुछ भी बनाए तो इस तरह का अच्छा लगता है। तो बस बच्चे और हम लोग अभी यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाएं एक साथ ये कि खा लेते हैं खाना, क्योंकि बच्चे भी सब खा रहे हैं। तो फिर उनको जब देखा उनको कि बच्चे सब खा रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं, तो उनको भी फिर भूख लग गई, और दाल चावल देखे आपको पता है फिर रहा नहीं जाता। तो बस फिर हस्बैंड भी आ गए थे, खाना खा रहे थे हम लोग सब बैठ के। तो बस मैं बच्चों को यही बोली थी, अजवा जो है वो मुसलसल बोलती रहती है बोलती रहती है, तो मैंने अजवा को यही बोला खाना खाते वक्त हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, चुप करके बिल्कुल खाना खाओ। बस यहाँ पर अभी खाना वाना खाया है, फिर हस्बैंड जो है वो कलर मिक्स कर रहे थे, तो वो कह लेंगे मैं मिक्स कर लेता हूँ बड़ी बड़ी बाल्टी में, तो उससे ये कि अच्छी तरह ना उसको हिलाने में और मिक्स करने में आसानी हो जाती है। तो बस अभी यहाँ पर वो मिक्स कर रहे थे, दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और अभी फिलिंग वगैरह जो है वो सब कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी खाने से पहले, क्योंकि फिलिंग जो होती है आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छोटे छोटे से सुराख वगैरह जहाँ पर भी कहीं होते हैं तो उसको सब फिल करना पड़ता है, वरना कलर का जो है मज़ा नहीं आता। कलर आप ऐसे ही फेर लें, ऐसे तो ये कि कोई भी अनाड़ी बंदा भी फेर सकता है, ये बच्चे भी कर सकते हैं या मैं खुद भी कर लेती हूँ इनके साथ मिलके, वो मना ही करते हैं कि नहीं तुम छोड़ दो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन जो मतलब मेन काम जो होता है वो सारा जो होता है वो फिलिंग का ही होता है। तो सब उन्होंने फिलिंग करी है अभी सब दीवारों में जहाँ जहाँ उनको दिख रहा था ज़रूरत पड़ रही थी, तो बस अभी इसके बाद जो है वो कलर स्टार्ट कर देंगे। और ये मैट कलर है, वाटर वाला है, एक होता है ऑयल मैट और ये है वाटर मैट। तो इसमें एक आसानी रहती है कि आप फटाफट इसमें बस पानी मिक्स करें और अपना कलर स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑयल मैट में जो होता है वो पहले प्राइमर लगता है दीवारों में, और प्राइमर के लिए फिर दीवारें जो होती हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं। तो बस मैंने इनसे कहा कि वाटर मैट ही ले लें हम और वो कर लें। अब यहाँ देखें सारे ये पर्दों के डंडे वगैरह सब निकाले थे, और ये कि अपना काम सब अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब एक कमरा फाइनल कर दिया था हमारा वाला बेडरूम, अब ये बच्चों के रूम में आ गए थे और अब यहाँ पर कर रहे थे खाना खाने के बाद। इस तरह ये कि थकावट भी नहीं होती और आराम आराम से तसल्ली से सारा काम हो भी जाता है और घर जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं और ईद आ रही है, तो घर तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है कि बिल्कुल साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि रमज़ानों में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें अपनी इबादतें करनी होती हैं या फिर हम ये घर के कामों में लग जाएं। तो इसलिए बस मैंने इनसे कहा कि रमज़ान से पहले जो है वो ये घर का काम ख़त्म करें ताकि घर साफ़ सुथरा बिल्कुल हो जाए। क्योंकि कलर के बाद जो होता है फिर ये कि मैं अपने पर्दे वगैरह सब चेक करूँगी, देखूँगी जो नए लाने होंगे वो नए लेके आऊँगी, या जो साफ़ सुथरे होंगे उनको फिर वॉश करवा के मैं फिर वही फिर रीयूज़ कर लूँगी, क्योंकि दोबारा जो है यूज़ करने में कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए अगर जो साफ़ सुथरे, और खैर मेरे तो ज़्यादातर साफ़ ही होते हैं पर्दे, क्योंकि हर मैं 3-4 महीने बाद चेंज करती रहती हूँ पर्दों को, उतार के मैं उसको वॉश करके फिर मैं दोबारा से डालती हूँ। तो बस अभी यही मैं चेक करूँगी कि एक दफ़ा कलर का काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है फिर वो पर्दे वगैरह या डेकोरेट की बारी जो होती है वो होती है। बस मैं चाहती हूँ मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो और साफ़ सुथरा हो। और ये भी होता है बहुत सी औरतें करती हैं, वरना तो बहुत सी ज़्यादा मैंने घरों में देखा है लेडीज़ को देखा है, बस खा लिया पका लिया अपने और कामों में मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन ये कि घर जो है वो औरत से ही बनता है और ये औरतों का ही काम होता है, जो घर की लेडीज़ होती हैं, मर्दों को इतना कहाँ पता होता है इन चीज़ों का। लेकिन ये कि हमारी अम्मी कहती थी जो सुगड़ औरतें होती हैं उन्हीं से पता चलता है, उनका घर देख के आप एंटर हो तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये कोई अच्छी और सुगड़ औरतें हैं, तो इनका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आपने देखा है माशा से 5-5 बच्चों के साथ भी मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो अभी ये बेड वगैरह हटाया, अलमारी हटाइए, तो आपने देख लिया था कि यहाँ से सब सामान साफ़ सुथरा था, कोई कचरा नहीं था। तो बस बच्चों का जो रूम है वो भी फाइनल कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, और अभी यहाँ पर बाहर आ गए थे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ऑयल पेंट किया था उन्होंने यहाँ पे ग्रिल पे सब, तो बस अब जो दीवारें वगैरह बाहर की थी तो मैंने कहा था कि बाहर का भी कर दें, गंदा लगता है तो बुरा लगता है, अजीब सा लगता है, तो बाहर की दीवारें भी ये कि सब साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो ये रात की यकीन करें 1 बजे का टाइम था और बस वो थक भी गए थे, तो मैंने कहा था मैं छोड़ दें, अगर थक गए तो फिर कल कर लेंगे बाकी, तो वो ये कह लेंगे नहीं कलर बना हुआ है मिक्स है, तो ये कि मैं हाथ के हाथ कर दूँ, तो फिर
कलर भी ख़राब नहीं होगा और दीवारें भी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। और अब रात का टाइम ये होता है कि बच्चे वगैरह जो होते हैं सब सो जाते हैं, हाथ वगैरह भी नहीं लगाते, जिससे ये कलर भी ख़राब नहीं होता और फिर पूरी रात में ये सूख जाएगा और साफ़ सुथरा कलर हो जाएगा। तो बस अभी बाहर का सब दीवारें वगैरह साफ़ कर रहे थे, कलर वगैरह कर रहे थे, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था बाहर की दीवारें, ग्रीले सब, और देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी और अच्छा लग रहा था अपना घर के मैन के वाक भी वाक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। और माशाल्लाह बोल दिया करें आप लोग भी देख के, और जिसका भी कोई भी अच्छा सा काम हो, अच्छा घर देखे या बच्चों को देखे तो माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें। तो ये देखें मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ बाहर की भी, सब दीवारें दरवाजे सब इन सब कलर कर दिया था, साफ़ सुथरा बिल्कुल हो गया था। ये देखें बस सुबह जो है स्वीपर आएगा और मासी भी आएगी, तो फिर मैं उनसे ना ये बाहर का भी सब वॉश करवा लूँगी, सर्फ डलवा के ब्लीच वगैरह, तो नीचे से फर्श वगैरह भी सब साफ़ करवा लूँगी। तो बस यही होता है कि घर साफ़ सुथरा कर लें तो अच्छा लगता है। और बस आगे मज़ीद आपको वीडियो दिखाती रहूँगी, और अब मुझे इजाज़त दे रहे हैं, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।